अल्लाह ताला उन्हां नूं इन्ने रंग लांदा है, इन्ने रंग लांदा है कि वह मुआशरे दे विच जिहड़े जी रमज़ान उल मुबारक है और जुमातुल मुबारक का दिन अज रमज़ान उल मुबारक का जुमातुल विदा है और अफतारी का टाइम हुआ जाता है। ये भी देखो कि वह सारी जिंदगी शरीफ रहेगा और ताबेदार भी रहेगा अपनी वालदा का। तो कारी साहब ने दसिया है कि सदका फितर जड़ा वह ना वालदा नूं दिता जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला तुहानू सारयां नूं सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देवे, आमीन सुम्मा आमीन। अज पंजी रमज़ान उल मुबारक है और जुम्मातुल मुबारक का दिन है। अज जुम्मातुल विदा सी रमज़ान उल मुबारक का। अल्लाह ताला जुम्मातुल मुबारक दे सदके नाल साडियां सारियां गमियां दूर कर देवे और साडे घरां दे विच खुशियां भर देवे, आमीन सुम्मा आमीन। साडे चैनल दे उत्ते जिन्ने नवे दोस्त आए ने, वीडियो देख रहे ने, उन्हां अगे गुजारिश है कि साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन और घंटी दे बटन भी दबा दें ताकि साडी हर नवीं आली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। दोस्तों, रमज़ान उल मुबारक दे महीने दे वजह तो मैं एक ना सुनी राती और बड़ी बेहद सुनी, उहदा एक शेर मैनूं याद आया, याद होया, वह मैं तुहाडी नज़र भी करना वा। मज़ार ए मुकद्दस पे तुम जा रहे हो, मेरा भी नबी को सलाम अर्ज करना। मज़ार ए मुकद्दस पे तुम जा रहे हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज करना। मज़ार ए मुकद्दस पे ते दोस्तों ये नात मैं जो सुनी तो मैनू बड़ी प्यारी लगी, मैं सोचा कि मैं उहदा एक शेर जिहड़ा मैनू याद है तुहाडी नज़र कर रहा। तुहानू भी पसंद आया तो कमेंट च दस्या जरूर, क्योंकि मैनू तो बड़ी पसंद आई और इहदा एक शेर याद कर सकिया। तो कोशिश करांगा कि मुकम्मल नात याद करके किसी वक्त तुहानू सारयां नूं सुनावां। तो दोस्तों, रमज़ान उल मुबारक दे आखरी रोज़े चल रहे ने, पता नहीं फिर दोबारा जिंदगी च ये रमज़ान उल मुबारक आना या नहीं आना। कोशिश कर लो कि जेडे बंदे रोज़ा नहीं रखते वो रोज़ा भी रख लैन, आखरी रोज़े रख लैन और जितना अजर कमाया जा सकता है वह अजर कमा लो, वह अजर कमा लो, क्योंकि रमज़ान उल मुबारक दे विच एक नेकी दे बदले अल्लाह ताला 70 नेकियां अता करदा जी। ते दोस्तों, फितराना दे मुतल्लक अज जुम्मातुल मुबारक ही सुनिया कि सदका फितर दा जिहड़ा अजर है बड़ा ज़्यादा है, लेकिन उस सूरत च कि जो तुसी ईद की नमाज़ अदा करन तो पहला अदा कर देंदे हो। ते कारी साहब ने दसिया है कि सदका फितर जिहड़ा वो ना वालदा नूं दिता जा सकता है, ना दादे नूं, ना दादी नूं, ना नाने नूं, ना नानू, मतलब इस तरह जिहड़े रिश्ते ने उन्हां नूं नहीं दिता जा सकता, और इस तरह औलाद नूं नहीं दिता जा सकता, पोते पोतियां नूं नहीं दिता जा सकता, दोते दोतियां नूं नहीं दिता जा सकता। लिहाजा कोशिश करो कि जिहड़े भी मुस्तहिक ने महल्ले च रिश्तेदारां दे विच उन्हां नूं अदा कर दिता जाए और ईद की नमाज़ अदा करन तो पहला पहला। कारी साहब ने कहा है कि ईद की नमाज़ तो बाद भी अदा हो जाता है, लेकिन उहदा जिहड़ा अजर है वह घट जाता है, वह सिर्फ अजर जिहड़ा सिर्फ सदके का रह जाएगा, फितर का नहीं होएगा, सिर्फ सदका हो जाएगा। सदका दिता तुसा और उहदा अजर जिन्ना मिलता है अल्लाह ताला दिंदा है उन्ना तुहानू मिलेगा। तो यह थोड़ी जी गल तुहाडे नाल शेयर की है, ये इलम होया, इन्ना पता लगा। तो मेरे कोई गल अगर ये गल गलत हुई हो तो तसहीक कर दिया जे कमेंट की शक्ल च, और मजीद ये कि अगर मजीद कोई गल गलत लगे तो मैं थोड़े अगर माजरत कर रही हूँ। तो दोस्तों, अज खेतों की सैर करन आए सी और खेतों की सैर करते करते हूँ ढलान उतरे हैं, थोड़ा दौड़ना पाया थोड़ा जहा, और पिछे तुहानू एक व्यू भी नज़र आ रहा, बिल्डिंग भी है पिछे और वो बन रही है। हुण मजीद खेत अगले खेतों से आ गए हैं कि इत्थे स्टाला लगा है,
इस साइड पर भी शाल वढ़ लिया गया। तो दोस्तों दोबारा एक जरूरी गल कर लगा वा मैं कि पिछलियां वीडियो दे विच मैं जिक्र किया कि यतीमां मस्कीना दे सिर ते हाथ रखो तो अल्लाह ताला उहदा बेबहा अजर दिंदा है। और अगर तुसी इस चीज़ का जमाना है देखना है कि देखो जिहड़े बचपन च बच्चे यतीम हो जाते हैं और दर दर दीआं ठोकरां खांदे ने सारी जिंदगी तंग दस्ती की हालत च गुरबत की हालत च, लेकिन जिस तरह ही वह जवान होंगे ने तो अल्लाह ताला उन्हां नूं इन्ने रंग लांदा है कि वह मुआशरे दे विच जिहड़े वधन फुलन वाले लोग अमीर लोग ने उन्हां नालों भी अमीर हो जाते हैं। उहदी की वजह हुंदी है कि उन्हें जिहड़े गुरबत च बचपन च ठोकरां खादियां हुंदियां ने ना, अल्लाह ताला उहदी जवानी दे विच उहनूं उहदे बदले च उहदे च उहदे ते रहमतां भेजदा है और दुनियादारी दे हिसाब दे नाल उहनूं भी अल्लाह ताला दुनिया दे रंग ला दिंदा है। लेकिन ये भी देखो कि वह सारी जिंदगी शरीफ रहेगा और ताबेदार भी रहेगा अपनी वालदा दा, अपने वालद दा, अपने वालदैन दी जिंदगी नूं बेहतर तरीके दे नाल लोकां अगे बयान करेगा और दसेगा कि मेरी तरबियत मेरी वालदा ने किड्डी अच्छी कीती है। वो किरदार नाल दसेगा, जबान नाल नहीं किरदार नाल दसेगा और इन्ना अच्छा किरदार अदा करेगा। अगर तुहानूं इस चीज़ का तजर्बा है वे तो ठीक है, नहीं तजर्बा तो तुसी अपने आस पास आंढ गुआंढ देख सकते हो कि जिस बंदे नाल इस तरह के हालात गुजरे ने और जो जवान होया तो अल्लाह ताला ने उन्हें किन्ने रंग लाए ने। अज लई इन्ना ही, अगली वीडियो तक लई इजाजत दियो, जिउंदे रहो वसदे रहो। अल्लाह ताला साडा ते तुहाडा हामी नासर होवे, अल्लाह निगहबान। तो दोस्तों अहीं इह चावल लैन आए हाँ कि जे ने इन्हां नूं खड़ना है ते चावलां दा पानी ला रहे ने ते इह देखो चुल्हा जिहड़ा आबो ताप दे नाल बल रहा वे। चावलां दा पानी ला दिता है बरती साहब ने, यह जी चावल पान लगे ने। चावल हिलाए जा रहे ने ताकि मिक्स हो जाए, जो चिकन पे भी मिक्स हो जाए जी। अज ए जी रंगत साड़ी बिरयानी दी उत्ते सब्ज पुदीना भी पाए अज। पुदीने की बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही है। 10 किलो मुर्गी ते 15 किलो चावल। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, तो बड़ी वड्डी दे गए फिर 25 किलो दी दे गए अज भाई। अज माशाल्लाह जबरदस्त दे गए जनाब, जबरदस्त रोजाना ही होंगे लेकिन अज थोड़ा ज़्यादा कमाल है। अज पंजी रमजान मुबारक है और जुमातुल मुबारक का दिन, अज रमजान मुबारक का जुमातुल विदा है और अफतारी का टाइम हुआ जाता है। रोज़ा अफतार होने में 1-2 मिनट रह गए हैं और रोज़ा अफतार हो गया है, तकरीबन ऐलान होने लगा है। कारी साहब ने ऐलान कर दिता है रोज़ा अफतार कर लवो, रोज़ेदारो रोज़ा अफतार कर लवो। अल्लाहुम्मा इन्नी लक सुमतु वा बिका मन तो वाला ही का तवक्कल तो वाला रिज़्क़ का अफतार तो।